कैसे चालू सब लोगों की स्टडी अच्छी चालू होगी, क्योंकि आज डेट जो है वो है 19, मतलब लगभग हमारे पास 15 दिन भी बाकी नहीं है, और 15 दिन में हमको सीईटी के एग्जाम देनी है, और सब लोगों को लग रहा है कि 15 दिन में कैसे सिलेबस खत्म हो जाएगा। हो जाएगा स्टूडेंट, टेंशन मत लेना। मैंने पहले बताया कि पी2 इतना हार्ड नहीं है, जैसे कि एग्जाम्पल बहुत कम होते हैं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को खत्म कर रहे हैं, कल करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, और कुछ चैप्टर ऐसे कि ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, अब देखो इसमें भी मैंने कैपेसिटर के पूरे क्वेश्चन देके मैंने लिंक नीचे दिए थे। इसके पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट लेक्चर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिए है। इसके बाद मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी ले रहा हूं, लेकिन क्या इसके पहले मैंने सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस क्या होते सब क्वेश्चन बनाया, तो उसका भी लेक्चर कम हुआ है हमारा। तो ऐसे बहुत सारे पी2 के मैंने ऑलरेडी लेक्चर कवर कर चुका हूं, तो इसलिए आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो पहले ही क्वेश्चंस पढ़ने जा रहा हूं यहां पे, जो एमसीक्यूज है मेरे लिए। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट जो दिया है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द चार स्फेरिकल कंडक्टर सराउंडेड बाय एयर इज 6 न्यूटन पर कूलम। If the space around the conductor, is filled with medium of dielectrical constant 3, then the electric intensity at the same point will be, तो electric intensity कितनी? तो इसका मतलब पहले space भी थे, इसलिए 1 लिखा है। E1 की value 6 न्यूटन पर कूलम, K2 की value 3, और E2 क्या होगा? तो हमने लिखा था स्टूडेंट, याद होगा आप लोगों को अगर फार्मूला पता है तो E इज इक्वल टू ऐसे कुछ तो लिखा था, याद है मुझे। इन लोगों को कोई संबंध नहीं है मेरे, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल के है कि नहीं है, यही फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पे मुझे E2 निकालना है, तो E2 by E1, तो इनवर्सली है इसलिए K1 by K2, समझ में आ रहा है बच्चों, इनवर्सली है ना। तो E2 रहा तो K2 नहीं लिखेंगे, K1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ये बात ध्यान में रखना आप लोगों को। तो स्टूडेंट यहां पे E2 इज इक्वल टू K1 बाय K2 इनटू E1, तो वैल्यू पुट अप कर रहा हूं स्टूडेंट यहां पे मैं, K1 की वैल्यू 1 है, K2 की 3 है, और इसकी 6 है, देख लेना यहां पे, तो 2 जा, मतलब बहुत इजी था। E2 की वैल्यू 2 न्यूटन पर कूलम, आप लोग शॉर्टकट मार सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट अप करके निकाल सकते हैं। मुझे पढ़ाना है आप लोगों को डिटेल में, इसलिए मैं इतना क्वेश्चन बड़ा कर रहा हूं। आप लोग तो सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, हाँ सर ठीक है, तो यही वैल्यू पुट अप करो, E1 को डिवाइड करो, एक की लाइन में कर सकते हो, जैसे कि 1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 6, तो 2 जा सर, ये 2 आंसर आ रहा है, खटाई दिशा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, है ना। लेकिन मुझे तो सब लोगों को समझा के देना है, बहुत सारे स्टूडेंट के बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आते, किसी को बहुत आते हैं, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास स्टूडेंट, यहां पे जो सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 मिलीमीटर, रेडियस दे वाला है 5 मिलीमीटर, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 2 μC/m² सराउंडेड बाय मीडियम ऑफ डायलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट 6.28। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2 मीटर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो भी होगी वो निकालना है मुझे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मेरे पास फार्मूला होगा σr/kε0r, समझ में आ रहा है, σr/kε0r, ये फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेंडर निकालना है तो, है ना। तो मैं इसको क्या ऐसे कर सकता हूं कि 1/4πε0, ओके समझ में आ रहा है आपको कुछ, देखो क्या कर रहा हूं, समझ में आ जाएगा आपको। आप ये 4π यहां पे बाकी है kr, नहीं समझ में आ रहा है, देखो 4π 4π कैंसिल, ये फॉर्मूला 4π डिवाइड और मल्टीप्लाई किया मैंने, क्यों? क्योंकि इसकी 1/4πε0 की वैल्यू कल मैंने लिख के दी थी इसके पहले लेक्चर में, दोबारा लिख के दे रहा हूं, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 4π, है ना, सॉरी 9 × 10⁻⁹ होती है,
9 into 10 is to 9. और गिवन डेटा में भी दिया था, यहाँ पे वैल्यू मैंने लिख के नहीं दिया आपको, क्योंकि हमेशा हम लोगों को ये याद वैल्यू होना बहुत जरूरी है. ओके तो वैल्यू लिखने जा रहा हूं, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 डैश टू 9, सिग्मा की वैल्यू है 2 इंटू 10 डैश टू माइनस 6, कन्वर्जन किया मैंने माइक्रो का, 10 डैश टू माइनस 6 लिखते हैं. यहां पे R की वैल्यू है 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10 डैश टू माइनस 3 लिखा था मैंने, सॉरी, तो 5 इंटू 10 डैश टू माइनस 3, 4, पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू मेरे पास बच्चों यहां पे 6.28 मल्टीप्लाई आर है मेरे पास 2. ओके तो ये देखना आपको, इससे ये डबल है कि नहीं है, तो 2 2 4, ये 4 और ये 4 मर गए. तो E इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान देना है, 9 इंटू 10 रेस टू 10 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 5 10, 10 मतलब 10 रेस टू 1 है, 10 रेस टू 9, 10 रेस टू 10 हो रहा है, और यहां पे 10 रेस टू माइनस 9, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 होता है. तो बच्चों यहां पे 9 इंटू 10 रेस टू 1 मतलब 90 न्यूटन पर कूलम, कितनी वैल्यू मेरे पास यहां पे मिल रही है. समझ में आ रहा है, दिखाई तो दे रहा है सब लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थर्ड क्वेश्चन देखना है स्टूडेंट हमको, यहां पे इसके ऊपर थोड़ा फोकस करो. थर्ड क्वेश्चन को पढ़ने जा रहा, देखो थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास यहां पे, अ इनफिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड. दोबारा पढ़ रहा हूं, एन इनफिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 4.5 इंटू 10 रेस टू 4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस 2 मीटर, डी दे वाला है 2 मीटर फ्रॉम इट, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी. लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक यहां पे जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है मेरे पास, उससे लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, तो लैम्डा डिवाइडेड बाय टॉइस पर एप्सिलॉन नॉट के आर, ये फार्मूला है मेरे पास. ओके मुझे लैम्डा निकालना है स्टूडेंट, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या करूं मैं यहां पे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर इंटू ई. देखो कुछ नहीं, मल्टीप्लिकेशन किया है, बाकी कुछ नहीं है, इसको 4 पाई बनाना है मुझे. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये 9 इंटू 10 रेस टू 9, तो इसलिए मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर बाय 2 करूंगा यहां पे. क्यों? 2 2 4 मतलब यही है, डिवाइडेड बाय 2 करो यही मिल रहा है. लेकिन देखो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन, या तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय 1 है, मतलब उल्टी वैल्यू करना पड़ेगी यही, तो 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 रेस टू 9. के की वैल्यू बच्चों मेरे पास 1 है, आर की वैल्यू है मेरे पास, मतलब आर मतलब डिस्टेंस ही है वहां पे, वो भी 2 है, उसको आर बोलेंगे हम लोग डिस्टेंस, या तो वो होगा 2 डिवाइड बाय ऑलरेडी 2. ई की वैल्यू मेरे पास 4.5 इंटू 10 रेस टू 4, तो 2 से 2 मर गया. तो बच्चों यहां पे लैम्डा इज इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाय 9, बात समझ में आ रही है आपको, इंटू 10 रेस टू, ये 4 और ये 10 रेस टू 9 है, समझ में आ रहा है, ये हो गए 1/2, है ना, 4.5 डिवाइड बाय 9 तो डबल हो गए. तो 1/2 लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 10 रेस टू माइनस 5. नहीं समझ में आ रहा है माइनस 5 क्यों, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ये ऊपर गए माइनस 9 में से 4 गया तो माइनस 5 होता है. तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो आंसर दिया है उसके थ्रू लिख रहा हूं मैं, तो 0.5 पे 10 रेस टू माइनस 6, और माइनस 6 को हम लिखते हैं माइक्रो, क्या लिखते हैं, माइक्रो कूलम पर मीटर, क्योंकि लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज कूलम में, लेंथ मीटर में, इसलिए कूलम मीटर, लेकिन माइक्रो 10 रेस टू माइनस 6 था, इसलिए मैंने माइक्रो लिखा है स्टूडेंट. ओके कोई टेंशन तो नहीं आ रही, समझ में आ रहा है आप लोगों को. नेक्स्ट कुछ गिवन डेटा लिख के रखा है बच्चों मैंने, जो कि फोर्थ नंबर क्वेश्चंस है. फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस में मैंने यहां पे जो गिवन डेटा के थ्रू बता रहा हूं, फॉर अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस
of a long cylindrical charge conductor. The electric intensity is 0.4 Newton per meter. Newton per coulomb, sorry. The electric intensity at another point situated at 40 centimeter from the axis is. Dubara question put out. For a point situated at the distance 20 centimeter from the axis of a long cylindrical charge conductor, the electric intensity is 0.4 Newton per meter, Newton per coulomb, sorry. The electric intensity at another point situated at 40 centimeter from the axis is. तो मुझे E तो निकालना है यहाँ पे. तो मेरे ख्याल से इसके पहले मैंने E का already formula लिखा है. Formula था E is equal to lambda divided by tau is epsilon naught kr. तो E is inversely proportional to the R है. मुझे E2 निकालना है तो E2 by E1. तो R1 by R2 क्यों? क्योंकि inversely proportional relation है ना. तो E2 है तो R1 लिखो. Actually में directly रहा है तो E2 R2 लिखते थे. Inversely इसलिए मुझे उल्टा लिखना पड़ रहा है यहाँ पे. तो E2 निकालना है तो R1 by R2 into E1. तो E2 is equal to R1 क्या है मेरे पास 20 है. R2 40. अब लोग बोलेंगे सेंटीमीटर टू मीटर करो. दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे. तो करने की जरूरत नहीं ना यहाँ पे. समझ लेना पहले कि क्या करना है. E1 की क्या वैल्यू बच्चों मेरे पास, वो है 0.4. ओके जी जीरो मर गया तो वन मतलब ये टू डिवाइडेड. तो E2 is equal to 0.2 न्यूटन पर कूलम. इतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मुझे यहाँ पे मिल रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहां पे. द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर इज 12 × 10⁻¹² कूलम पर मीटर स्क्वायर. इफ द कंडक्टर इज सराउंडेड बाय मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट 3.14, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज. तो 1/4πε₀ की वैल्यू याद होना चाहिए यहाँ पे, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट को वही बहुत बड़ी यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है. एक्चुअली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू हमारे पास सिग्मा डिवाइड बाय के एप्सिलॉन नॉट, ये एक फार्मूला है. तो ई इज इक्वल टू सिग्मा है ना डिवाइडेड बाय 4πε₀. ऐसे करेंगे हम लोग. देखो क्यों, क्योंकि कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे. तो के आ रहा है, इसका मतलब क्या है सर बताओ. कुछ नहीं बच्चों, मुझे यहां पे 1/4πε₀ की वैल्यू पता है ना. करवा सकते ऐसे कुछ नहीं. एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 से भी करवा सकते. देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है मेरे पास यहां पे 8.85 × 10⁻¹². इसकी भी वैल्यू है 9 × 10⁻¹. दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे 9 × 10⁻¹ करने में बहुत इंटरेस्ट है क्योंकि इजी आता है ना इसलिए. तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹. सिग्मा है 12 × 10⁻¹². 4 पाई की वैल्यू 3.14, यहां पे के की वैल्यू भी 3.14 है. दिस वन मर गया बच्चों. तो E इज इक्वल टू 9, यहां पे 48 है ना, समझ में आ रहा है ना. 12 × 4 = 48 और यहां पे 10⁻-3, नहीं समझ में आ रहा है कुछ नहीं. माइनस 12 में से 9 गए तो माइनस 3 बचेंगे. तो E इज इक्वल टू 972.7 कैरी है ना 36, मतलब 43 आ रहा है. 9 × 4 = 36 + 7 = 43. 10⁻³ - 3, 3 से शिफ्ट करवा दो 0.432 न्यूटन पर कूलम. ये जो आंसर होगा हमारा एमसीक्यू में वह सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमने जो लिखा है 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं. सिलेंडर इज अ चार्ज बाय 10 मिलीकूलम. मिलीकूलम मिली मतलब 10⁻³ मिलीकूलम. लेंथ ऑफ सिलेंडर इज 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर है सिलेंडर की लेंथ, 1 किलोमीटर है. एंड रेडियस इज 1 मिलीमीटर. 1 मिलीमीटर.
सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी ये हमारे लिए यहां पे सवाल है. ओके मतलब लंबा रहा को लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं हम लोग, एरिया रहा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, एरिया और वॉल्यूम रहा तो वॉल्यूम है ना. तो यहां पे क्यूबिकल सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं. तो यहां पर लैम्डा निकालना है, लैम्डा के लिए मैंने ऑलरेडी फार्मूला भी लिख के रखा है. एक्चुअल में लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेकिन क्या करें यहां पर सिलेंडर है तो सिलेंडर होने के कारण यहां पे हमारा फार्मूला ऐसे बदलने वाला है टॉइस पाय आर एल. क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पे जिसकी लेंथ होती है इसका जो सरफेस चार्ज लेंथ तो वो इसके ऊपर डिपेंड होती है ये चार्ज पर यूनिट लेंथ जैसी है. तो हम लोग यहां पे देखो पहले मिली का 10^-3 कूलम में किया है, किलोमीटर टू मीटर क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है तो 10^-3 मिली मतलब -3. ओके तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू चार्ज है मेरे पास 10^-3 डिवाइडेड बाय 2 3.14. आर की वैल्यू मेरे पास 10^-3 और लेंथ भी है 10^-3, इससे ये मार रहा है. तो लैम्डा इज इक्वल टू 10/6.28, ये ऊपर वाला 10^-3 है. तो बच्चों 6 × 1 = 1 ऐसे कुछ तो आंसर आना चाहिए था उसका. व्हाट इज 1.59 10^-3 है ना 3, ऐसे कुछ तो आंसर आना चाहिए था. ओके समझ में आ रहा है आपको. और इसका मिनट तो कूलम पर मीटर तो पता ही आपको, कोई दिक्कत तो बताओ स्टूडेंट. यहां पे फास्ट तो नहीं हो रहा आपके लिए. नेक्स्ट सवाल है मेरे लिए 7, 8, 9, 10. बस इसने क्वेश्चन खत्म करके मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि मेरे ख्याल से पहले 6 और 8, 10, 16 और कैपेसिटर के ऊपर तो आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे. मतलब नियर अबाउटली मैं इसके ऊपर 35 क्वेश्चन ले रहा हूं ये चैप्टर के ऊपर, इसका मतलब ये. ओके तो 35 क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं यार, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपको. आप थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन देके पढ़ाई करो अच्छी तरह से बस. इसके बाद में हमारे जो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पढ़ने जा रहा हूं, लिख के लेना आपको. अ मेटल ऑफ सरफेस एरिया 1 m² इज चार्ज विथ रूट ऑफ 8.85 µC इन एयर. द मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, मैकेनिकल फोर्स कितनी है? माइक्रो है तो कूलम में करने के लिए -6 लिखेंगे, 10^2 ये रूट के बाहर है. और मुझे यहां पे मैकेनिकल फोर्स की बात चल रही बच्चों. ओके तो मैकेनिकल फोर्स के लिए मेरे पास फार्मूला था, मैकेनिकल फोर्स के लिए फार्मूला है σ² × dS डिवाइडेड बाय 2K ε₀. ये फार्मूला है मेरे पास. ओके 2K ε₀ ये फार्मूला. क्या बच्चों आपको पता है कि सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया. एरिया के लिए हमने ds इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया. सरफेस चार्ज डेंसिटी ना, लीनियर रहा तो चार्ज पर यूनिट लेंथ. सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज के लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ और सरफेस के लिए चार्ज पर यूनिट एरिया. तो f इज इक्वल टू ds 2K ε₀ और इसके जो है यहां पे चार्ज पर यूनिट एरिया इसका स्क्वायर. तो f इज इक्वल टू ds 2K ε₀ q² ds². ds से एक ds मर गया तो f इज इक्वल टू q² 2K ε₀ × dS. ओके f इज इक्वल टू q की वैल्यू मेरे पास, q की वैल्यू ये रूट ऑफ 8.85 × 10^-6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2. k इज अ डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, यहां पे नहीं है मतलब 1 ले सकते हो, मतलब एयर में कंसीडर कर लेना है. यहां पे k की वैल्यू दी नहीं है तो k एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10^-12. याद करो बच्चों एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग हमेशा लिख रहे हैं, ये याद ही करना पड़ेगा आपको. ओके कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर और ds एरिया कितना है, एरिया तो हाँ दीवाला है, मैंने ए लिखा उसको ds लिखेंगे तो 1 है. तो हम आगे बढ़ रहे स्टूडेंट, देख लेना यहाँ पे f इज इक्वल टू ये रूट के बाहर 8.85 × 10^-12, समझ में आ रहा है इसका स्क्वायर किया मैंने, डिवाइड बाय 2.
बाकी है मेरे पास 8.85 into 10 raise to minus 12, this one मर गया, तो 1/2 मतलब 0.5, इतनी एनर्जी मैकेनिकल फोर्स जो एनर्जी लग रही है ना, मैकेनिकल फोर्स जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, देखो यहाँ पे मैकेनिकल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो ये सॉरी फोर्स है इसलिए हम लोग न्यूटन में लिखेंगे, तो 0.5 न्यूटन इतना मैकेनिकल फोर्स एक्ट हो रहा है यहाँ पर। मैं इसको मिटा रहा हूं, स्क्रीन शॉट लेना है बच्चों इसकी, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करना है मुझे, पढ़ रहा हूं देखो। ओके तो देखो यहाँ पे लगे तो आपको दिखाई दे रहा हो, तो मैं लिख रहा हूं इसका आंसर 0.5 न्यूटन इतना आंसर आ रहा था इसका। ओके दिखाई नहीं दे रहा इसलिए नहीं लिखा था मैं वहां पर एक्चुअल में। नेक्स्ट है एक नंबर का जो क्वेश्चन जो लिखा है स्टूडेंट यहां पे मैंने, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, क्वेश्चन लिख के लेना तुमको एट नंबर पे, द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इन एयर इज 0.885 माइक्रोकुलम पर मीटर स्क्वायर, है ना। यहां पे दिया वाला हम लोगों को इफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता होती है, मैंने इसलिए नहीं लिखी है कि 8.85 इंटू 10^-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, देन द आउटवर्ड फोर्स, क्वेश्चन है देन द आउटवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ चार्ज कंडक्टर इज, दोबारा पढ़ रहा हूं, देन द आउटवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ चार्ज कंडक्टर। ओके मतलब यहां पे हम लोगों को फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट एरिया निकालना है। तो देखो फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की ये फार्मूला हमारे पास। ओके बस इसको कुछ नहीं, यही फार्मूला है, डिवाइड बाय एरिया, ये एरिया इधर गया तो एरिया बढ़ जाएगा ना, देखो ना यहाँ पे ये एरिया इधर आया तो बचा क्या, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट के, तो मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया सिग्मा की वैल्यू है मेरे पास, इसका स्क्वायर करना है, अब माइक्रो को कूलम किया तो 10^-6 तो 0.885 दो बार लिखो क्योंकि स्क्वायर है ना यहां पे, और इसका स्क्वायर -12, समझ में आ रहा है बच्चों, देखो इसका स्क्वायर था तो दो बार 10^-6 का पावर 2 तो 6 × 2 = 12 डिवाइडेड बाय 2, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10^-12, और डायलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जो बच्चों यहां पे, तो हम लोगों के पास डायलेक्ट्रिकल कांस्टेंट की वैल्यू मतलब 1 लिखेंगे नहीं है तो एयर में होगा ना वो, तो हम देखो 10^-12 को कट कर रहे हैं, इसको इससे मार रहे हैं, लेकिन बच्चों यहां पे 10 आ रहा है क्योंकि ये 10 गुना ज्यादा है के लिए, तो फोर्स पर यूनिट एरिया ये ऊपर गया तो 8.85 इंटू 10^-2, समझ में आ रहा है। देखो बच्चों ये पॉइंट मैंने शिफ्ट किया 10^-1, ये ऊपर गया 10^-1 -2 हो रहा है, ऊपर गया ना वो डिवाइडेड बाय 2, तो मैकेनिकल फोर्स पर यूनिट एरिया 4.425 है ना, 2 4 = 2 4 = समझ में आ रहा है, 10^-2 ये मेरे पास यहां पे आंसर मिल रहा है, और इसको लिखेंगे फोर्स है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिवाइड बाय एरिया है तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट के ऊपर भी फोकस करो, बहुत सारे स्टूडेंट यूनिट के ऊपर फोकस नहीं करते स्टूडेंट, मैंने देखा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, देखो यहां पे एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वैल्यू ऑफ द मीडियम, देखो द एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वैल्यू ऑफ मीडियम इन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 400 Nm इज इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट ऑफ मटेरियल इज 2, इलेक्ट्रिकल कॉन्स्टेंट 2 है तो एनर्जी कितनी होगी, है ना। तो देखो यहां पे एनर्जी निकालने के लिए 1/2 के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये फार्मूला मेरे पास, तो 1/2 के तो 1 होगा, देखो स्टूडेंट लाइन गई वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मैं तो भी खत्म करूंगा ये,
तो 1 by 2 k epsilon naught e square मेरे पास formula है, तो 1 by 2 k की value मेरे पास 2 है, epsilon naught 8.85 into 10 raised to minus 12 है, e है मेरे पास 4 into 10 raised to 2 का square, क्योंकि e का square 2 से 2 मर गया, तो बच्चों यहाँ पे 8.85 10 raised to minus 12 into 4 का square 16 और इसका 2 2s are 4, तो u is equal to 16 5s are 80, 8 carry, 16 8s are 128 और 8 carry हो गए 16 1, है ना, तो 13 carry आ गए, तो 16 8s are 128, 13 carry थे यहाँ पे, तो 11 ये हो गए 4 141, दो छोड़ के पॉइंट 1 2 2 छोड़ के into 10 raised to minus 8, okay, तो u is equal to यहाँ पे दो से पॉइंट शिफ्ट का 1.41 into 10 raised to minus 6 जूल पर क्यूबिक मीटर, okay, क्योंकि एनर्जी पर यूनिट वैल्यू था ना क्वेश्चंस तो मेरे पास, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस लेने जा रहा हूँ, लाइन जाने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन थोड़ा सा इतना तो पड़ेगा, देखो इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा, अब इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो, ओके, एंड देन लास्ट 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, 10 नंबर के क्वेश्चन में हम लोगों को स्पीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर हैज अ पोटेंशियल ऑफ 10,000 वोल्ट, देन एनर्जी डेंसिटी नियर इट्स सरफेस विल बी, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, सेम फार्मूला है, सेम कहानी है, कुछ नहीं यहां पे, ओनली हमारे पास क्या क्या गिवन डेटा दिया वाला देखो, आर 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर टू मीटर 10^-2, यहां पे 10,000 है, 10^4 होल्ड करवा सकते हो, तो मुझे एनर्जी निकालना है स्टूडेंट यहां पे, u इज इक्वल टू 1/2 k एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर, तो u इज इक्वल टू 1/2 k, मेरे पास नहीं 1 रखते हैं, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10^-12 करते हैं, और e 10^4 है, नहीं हम लोगों को यहां पे मेरे ख्याल से v वाला पोटेंशियल जरा, तो e का एक फार्मूला है v by d, तो लेकिन v by r रखेंगे हम लोग, तो यहां पे v square by r square, एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, 1/2 8.85 10^-12, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है, v का स्क्वायर है मतलब 10^4 डिवाइडेड बाय r है मेरे पास 10^-2 का दोनों का स्क्वायर, तो यहां पे 4.425 डिवीजन कर रहा हूं 10^-12 10^8 और ये 10^-4, समझ में आ रहा है स्टूडेंट कुछ आप लोगों को, देखो 4 जा 25 10^-12 इनका स्क्वेयरिंग किए मैंने, तो यहां पे 4.425 into 10^2, अब ध्यान देना है ये ऊपर जाने वाले स्टूडेंट, तो 10^8 और 10^4 10^12 में से 12 है, ये प्लस 12 है ना, और ये माइनस 12 तो खत्म हो जाएगा, तो यहां पे कोई पावर नहीं है जूल पर क्यूबिक मीटर, ये इसका एनर्जी का यूनिट यहां पे मेरे पास मिल रहा है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट कुछ, दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा तो आप अच्छी तरह से लिख के ले, ताकि आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी दिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो होप है कि बच्चों सभी क्वेश्चन से आपको सीईटी के लिए अच्छी तरह से हेल्प करे, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई भी करना है, देखो किसी किसी को बहुत डिप्रेशन में आते कि मेरा होगा क्या, मैं करूंगा नहीं करूंगा, 15 दिन बाकी है, कुछ टेंशन मत लेना, पूरे की पूरी वीडियो देख लो, शेयर करो आप अपने दोस्तों से, और ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो टेंशन लेने से 15 दिन में हम 15 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, देखो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो मैथ्स हो 15 दिन में 15 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, मैं दोबारा बोल रहा हूं 15 चैप्टर मतलब बच्चों यहां पे 75% आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो 20 में से, है ना, मतलब हम अभी भी 25 मार्क लेने की अपने अंदर कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं बस खुद को, तो आज से भी पढ़ाई करते हो तो कर लो, बिल्कुल टेंशन मत लो, हम लोग आपको हेल्प के लिए यहाँ पे खड़े हैं, जितना हो सकता उतना हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, और आप लोगों का अच्छी तरह से पढ़ाई करना, बेस्ट लक एंड थैंक यू।